सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका चारुलता सोम विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल वसुंधरा से। आज का हमारा विषय है क्रिया। तो क्रिया को पढ़ने से पहले या जानने से पहले या क्रिया हम क्यों पढ़ते हैं, हम एक उदाहरण का सहारा लेंगे और ये एक उदाहरण हमने संवाद के रूप में लिखा गया है। संवाद है नानी और रोहन के बीच में। तो आइए इसको पढ़ते हैं। नानी: रोहन, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? रोहन: नानी, मैं चींटियों को देख रहा हूँ। नानी: क्यों, ऐसा क्या है? रोहन: देखो, सारी चींटियाँ पंक्ति में चलती हैं, कितने बड़े बड़े दाने उठा लेती हैं। नानी: हाँ, चींटियाँ मेहनती हैं। रोहन: एक चींटी का दाना बार बार गिर रहा था, पर फिर भी उसने बार बार दाना उठाया। तो बच्चों, यहाँ हम देख रहे हैं कि रोहन कितना समझदार बच्चा है, रोहन को जीव जंतुओं से कितना प्यार है। पर इससे पहले हम आगे बढ़े, हम ये जानेंगे कि इस संवाद में क्या क्या काम हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं। रोहन, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तो इसमें काम हो रहा है बैठने का। नानी: मैं चींटियों को देख रहा हूं, इस वाक्य में कार्य हो रहा है देखने का। तो देख रहा हूं। देखो, सारी चींटियां पंक्ति में चलती हैं, चलने का काम हो रहा है। कितने बड़े बड़े दाना उठा लेती है, तो यहां पर किसका काम हो रहा है? उठाने का। तो उठा लेती है। एक चींटी का दाना बार बार गिर रहा है, तो यहां पर गिरने का काम हो रहा है। पर फिर भी उसने बार बार दाना उठाया, उठाने का काम हो रहा है। तो इस पूरे संवाद में बैठे, देख रहा हूं, चलती है, उठा लेती है, गिर रहा था, उठाया, ये सारे शब्द हमें काम करने का बोध करा रहे हैं। तो कार्य के होने या कराने का ज्ञान कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। एक बार फिर से सुनिए, कार्यों के होने या कराने का ज्ञान कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों से किसी भी काम के करने या होने का बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। तो एक बार दोबारा से इस परिभाषा को हम जानेंगे या सुनेंगे। कार्य के होने या करने का ज्ञान जब हमें पता चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। या दूसरे रूप में अगर हम इसकी परिभाषा आपको बताएं, जिन शब्दों से किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे हम कहते हैं क्रिया। उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको बताएं शब्दों में, उठना, बैठना, चलना, तैरना, खेलना, कूदना, बैठना आदि, ये सारे शब्द हमारे क्या है? क्रिया, क्योंकि ये किसी न किसी काम को बता रहे हैं। अब हम जानेंगे क्रिया की परिभाषा के बाद धातु और क्रिया का क्या संबंध होता है। धातु होता है बेटा, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल रूप यानी जिस शब्द से क्रिया शब्द निकलता है, जैसे लिख, जा, हंस, आ, पढ़ आदि। एक बार दोबारा सुनिए, क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लिख, जा, हंस, आ, पढ़ आदि। अब यहाँ पर धातु में, जब इन धातु रूप में हम लोग ना प्रत्यय जोड़ देते हैं। अब प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय हमेशा मूल रूप के पीछे लगाया जाता है। प्रत्यय हमेशा मूल रूप के पीछे लगाया जाता है। तो यहाँ पर भी जो हमारा धातु रूप है, उस धातु रूप के पीछे जब हम ना प्रत्यय लगा देते हैं, तो वो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। क्रिया का क्या बन जाता है? सामान्य रूप, यानी जिस रूप से हम क्रिया को जानते हैं।
अब दोबारा से जो हमने उदाहरण आपको बताए थे, उदाहरण जो हमने आपको दिए थे, लिख, जा, हंस, आ, पढ़, आदि। अब जैसे कि हमने आपको बताया है, धातु में ना प्रत्यय जोड़कर हम क्रिया का सामान्य रूप लिख देते हैं। तो जैसे यहाँ पर मूल रूप है हमारा लिख, तो लिख शब्द में, लिख में जब हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं, लिख हमारा है मूल शब्द, ना हमारा है प्रत्यय, तो जब हम लिख में ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो हमारा सामान्य क्रिया शब्द क्या निकल कर आता है, लिख ना, लिखना। वैसे ही अगर हम दूसरा उदाहरण देखें, जा, जा शब्द में जो जा हमारा मूल शब्द है, इस जा शब्द में हम ना शब्द या ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो हमारा क्रिया क्या आता है, क्रिया का शब्द जाना। वैसे ही हस मूल शब्द है, हस में जब हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो हमारा बन जाता है हंसना। वैसे ही आ, आ हमारा मूल शब्द है और इस मूल शब्द में जब हम ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा आना। पढ़ मूल यानी धातु रूप, इस रूप में जब हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, पढ़ना। तो ये क्या है हमारा, धातु और क्रिया के बीच का संबंध। धातु और क्रिया के बीच का संबंध क्या होता है, धातु हमारा होता है मूल शब्द और इस ही मूल शब्द से हमारे क्रिया शब्द के सामान्य रूप निकलते हैं। और कौन सा प्रत्यय जोड़ने से, ना प्रत्यय जोड़ने से। ना प्रत्यय जब हम धातु रूप में जोड़ते हैं तो हमारा बन जाता है क्रिया का सामान्य रूप, पढ़ना, हंसना, खेलना, तैरना, लिखना, उठना, बैठना आदि। हर एक शब्द में अगर आप गौर से सुनेंगे, हर एक शब्द में हमारा क्या आ रहा है, ना आखिरी में, तो आगे वाला शब्द हमारा धातु रूप, पीछे हमारा प्रत्यय ना जुड़कर क्रिया का सामान्य रूप। ठीक है बेटा, अब हम इसके धातु रूप को समझने के बाद हम ये जानेंगे कि क्रिया क्या, क्रिया अधूरी होती है वाक्यों में अगर हमने क्रिया नहीं पढ़ा, या पूर्ण होती है। तो बच्चों ये हमने जाना कि क्रिया के बिना कोई भी वाक्य हमारा पूर्ण नहीं होता। क्रिया, अगर वाक्य में क्रिया नहीं तो वाक्य हमारे अपूर्ण कहलाते हैं। तो क्रिया के बिना वाक्य अधूरे रहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि क्रिया के बिना हमारी बातें अधूरी रहती हैं। तो वाक्यों में क्रिया होना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको बोला जाए कि मैं जा रही, मैंने आपको उदाहरण दिया मैं जा रही, अब मैंने यहाँ पर है नहीं लगाया है, तो क्या ये हमारा वाक्य पूरा लग रहा है, नहीं ना। तो वही है, क्रिया के बिना हमारे वाक्य अधूरे होते हैं या हमारी बातें जो होती हैं वो भी अधूरे होते हैं। मैं जा रही हूँ या मैं आ रही हूँ, तो ये जो हूँ शब्द है कहने के लिए एक सीधा एक हमारा शब्द है, परंतु अगर हम ये अपना शब्द वाक्य में से हटा देंगे तो हमारा वाक्य अपूर्ण कहलाएगा। तो याद रखिएगा, क्रिया नहीं तो वाक्य पूर्ण नहीं, हमारी बातें अधूरी, और क्रिया है वाक्य पूर्ण है, बातें भी हमारी पूरी है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन होने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास संज्ञा शब्द है या सर्वनाम शब्द है और उसमें हम प्रयोग करें किसी भी लिंग का, वचन का या कारक का, अगर इन लिंग, वचन और कारक में कोई भी परिवर्तन हमारा आ रहा है तो हमारी क्रिया में भी परिवर्तन यानी बदलाव जरूर आएगा। तो आइए उदाहरण के तौर पर देखते हैं, लिंग जब हम बदलते हैं, जब हमने लिंग बदलना हो, उदाहरण के तौर पर देखिए, पाठ शतरंज खेल रहा है, पाठ शतरंज
मनुष्य खेल रहा है, तो ये हमारा कौन सा लिंग हुआ? पुलिंग। अब हमें इस लिंग को अगर हमें परिवर्तन करना है यानी स्त्रीलिंग में लिखना है तो हमने क्या लिखा? रमा शतरंज खेल रही है। तो देखो बेटा, नाम के साथ क्रिया भी बदल गई हमारी। नाम है यहाँ पर पार्थ, खेल रहा है क्रिया। नाम है यहाँ पर रमा, खेल रही है, खेल रही है हमारी क्रिया। तो आपने जाना, जब हमारी लिंग में परिवर्तन यानी बदलते हैं, बदलाव आता है, तो हमारी क्रिया में भी बदलाव अवश्य आता है। आगे हम जानेंगे वचन बदलने पर। अब वचन बदलने पर क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल लिंग की तरह उसमें भी क्रिया में भी परिवर्तन अपने आप आता है। देखिए उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर वचन का उदाहरण है रसोईया खाना बना रहा है। यहां पर हमने उदाहरण दिया आपको, रसोईया खाना बना रहा है। अब रसोईया यानी एक वचन, यहां पर रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि वचन का हमारा कौन सा बोध है? एक वचन। वहीं पर जब हम लिख देंगे वचन बदलते हुए कि रसोई खाना बना रहे हैं, तो बच्चों आपने देखा पहले वाले वाक्य में एक वचन था क्योंकि रसोईया बना रहा है। क्या बना रहा है? खाना बना रहा है। तो यहाँ पर एक रसोईया खाना बना रहा है। जैसे ही हमने वचन बदला तो हमने लिखा रसोईये खाना बना रहे हैं। रहे हैं क्रिया में परिवर्तन, बना रहा है क्रिया में परिवर्तन। एक वचन, क्रिया एक वचन हुई। बहुवचन, क्रिया भी हमारी बहुवचन हुई। अब आखिरी है हमारा कारक बदलने पर। कारक बदलने पर क्या होता है? जैसे हमने उदाहरण दिया मीरा ने सारे रंग बिखेर दिए। मीरा ने सारे रंग बिखेर दिए। यहां पर हमने पहला उदाहरण लिखा मीरा ने सारे रंग बिखेर दिए, यानी मीरा के द्वारा सारे रंग जो है बिखर गए। अब यहां पर जब हम कारक में परिवर्तन लाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? मीरा से सारे रंग बिखर गए। अब यहां पर दिए का हमारा क्या है? क्रिया, और गए भी हमारी क्रिया है। तो यहां पर मीरा ने सारे रंग बिखेर दिए, मीरा से सारे रंग बिखर गए। तो कारक में परिवर्तन यानी क्रिया में अपने आप से परिवर्तन। तो एक बार दोबारा से सुनिए, जब संज्ञा और सर्वनाम शब्दों में क्रिया, लिंग वचन और कारक में कोई भी परिवर्तन होता है तो हमारे क्रिया के अनुरूप भी बदल जाता है, यानी क्रिया में भी अपने आप परिवर्तन आ जाता है। तो आइए बच्चों, अब हम जानेंगे क्रिया के भेद। हमारे पास क्रिया के केवल दो ही भेद होते हैं, पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। तो हमारे पास क्रिया के कितने भेद हुए? दो। दो प्रकार के क्रिया के भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया को जानने के लिए हम कुछ उदाहरणों की सहायता लेंगे। पहला उदाहरण, पुस्तक को वहां रख दो, पुस्तक को वहां रख दो। दूसरा उदाहरण, रमन दूध पी रहा है, रमन
दूध पी रहा है। तीसरा उदाहरण, नवीन ने गाना गाया। नवीन ने गाना गाया। तो इन सब वाक्यों में रख दो, पी रहा है और गाया, ये सभी हमारी क्या है, क्रियाएं। ये सभी हमारी क्या है, क्रियाएं। और क्रियाओं के साथ क्रम से पुस्तक, दूध और गाना। क्रियाओं के साथ क्रम से, क्रम यानी एक के बाद बार क्या आ रहा है, पुस्तक, दूध और गाना। ये हमारे तीनों शब्द क्या हुए, कर्म। ये तीनों शब्द हमारे कर्म हुए। तो इनके बिना वाक्यों को अर्थ के साथ स्पष्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर हम इनके बिना वाक्य को पढ़ेंगे तो हमारे जो वाक्य है वो स्पष्ट नहीं हो पाएंगे। जैसे वहां रख दो, रमन पी रहा है, नवीन ने गाया, क्या पिया, क्या किया, हमें नहीं मालूम। तो हमें इनको जानने के लिए कर्म की सहायता लेनी पड़ती है। और जिन भी वाक्यों में कर्म होता है हम उन्हें कहते हैं सकर्मक क्रिया। वाक्यों में जब क्रिया के साथ कर्म आता है, वाक्यों के साथ जब क्रिया के बाद कर्म आता है या कर्म के लूप होने का संकेत कराती है तो हम उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। एक बार दोबारा से इस परिभाषा को सुनिए। वाक्य में जब क्रिया कर्म के साथ आती है, वाक्य में जब क्रिया कर्म के साथ आती है या कर्म में लूप होने का संकेत कराती है उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। अर्थात सकर्मक क्रिया में कर्म का होना आवश्यक है। कर्म नहीं तो सकर्मक नहीं। सकर्मक, स का मतलब होता है साथ, कर्म का साथ। स का मतलब क्या हुआ, कर्म के साथ। स नहीं यानी साथ नहीं। तो जब हम आपको बता रहे हैं सकर्मक क्रिया के बारे में तो इसका अर्थ है कर्म के साथ। जब क्रिया की बात की जाए तो वो कहलाती है सकर्मक क्रिया। अब बच्चे पूछते हैं कि सकर्मक क्रिया को पहचाने कैसे। सकर्मक क्रिया को पहचानना भी तो जरूरी है। तो कैसे पहचाने हम सकर्मक क्रियाओं को, तो इन्हीं वाक्यों के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सकर्मक क्रिया को पहचाना कैसे जाता है। तो देखिए वाक्यों में क्रिया के साथ, जब हम वाक्य, हमारे पास ये तीन वाक्य हैं, इन तीनों वाक्यों में जब हम क्रिया के साथ, ये हमारी क्रिया है रख दो, पी रहा है और गाया, ये हमारी क्या है, क्रियाएं। इन क्रियाओं के साथ जब हम क्या या किसे लगाकर प्रश्न पूछें, क्या या किसे लगाकर प्रश्न पूछें, तो उस जब प्रश्न का हमें उत्तर मिलता है तो उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया, क्योंकि उत्तर हमारा होता है कर्म। और जब हमें कर्म मिल जाता है तो हमने जैसे पहले बताया कर्म के साथ जब होता है तो सकर्मक, और कर्म के साथ नहीं है तो वो हमारी सकर्मक क्रिया नहीं होती। ठीक है, तो जैसे हम पहले उदाहरण में देखें कि वहां क्या या किसको रख दो, वहां क्या और किसको रख दो, तो उत्तर में हमें क्या मिलेगा, पुस्तक। उत्तर में हमें क्या मिला, पुस्तक। तो जब हमें उत्तर मिल रहा है यानी हमें कर्म मिल रहा है तो ये हमारी सकर्मक क्रिया हुई। वैसे दूसरे उदाहरण में भी क्या या किसे या किसको लगा के देखें। चलिए, रमन क्या पी रहा है, रमन क्या पी रहा है, तो उत्तर में हमें मिलेगा दूध। उत्तर में हमें क्या मिलेगा, दूध पी रहा है, तो यानी दूध हमारा हुआ कर्म। अब कर्म है तो कर्म हमारा क्या होगा, सकर्मक क्रिया, क्योंकि हमें क्या क्या उत्तर मिला। तीसरा वाक्य, नवीन ने गाना गाया, ये हमारा वाक्य है। नवीन ने क्या गाया, गाना। नवीन ने क्या गाया, गाना। जब हमने इस वाक्य को भी क्या या किसे लगा दिया तो हमें अपना उत्तर मिला गाना। तो ये हमारी क्या हुई, सकर्मक क्रिया। तो बच्चों सकर्मक क्रिया को पहचानने का सबसे आसान तरीका, हम क्रिया से पहले क्या या किसे लगा दें तो जो हमारे पास उत्तर आएगा उसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। उसे हम क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। अब हम बात करेंगे अकर्मक क्रिया। चलिए बात करते हैं अकर्मक क्रिया की। अकर्मक क्रिया, जैसे हमने बताया सकर्मक, स
यानी सात कर्म का, अकर्मक क्रिया यानी अ कर्म के बिना। सिंपल आसान है ना। स मतलब सात, अ मतलब बिना। तो अकर्मक क्रिया हमें बताती है कि जब वाक्य में कर्म ना हो, केवल कर्ता हो और क्रिया हो, जब केवल कर्ता और क्रिया होती है तो हम उसको कहते हैं कि ये कौन सी क्रिया कहलाएगी, अकर्मक क्रिया। चलिए उदाहरण के तौर पे देखते हैं। पहला उदाहरण, मोर नाच रहा है। मोर नाच रहा है, कपिला दौड़ रही है। कपिला दौड़ रही है, दादा दादाजी चटाई पर बैठे हैं। दादाजी चटाई पर बैठे हैं। तो यहाँ पर हमारी क्रियाएं क्या हो रही है, नाच रहा है, दौड़ रही है, बैठे हैं। यहाँ पर क्रिया क्या है, नाच रहा है, दौड़ रही है, बैठे हैं। तो वाक्य में नाच रहा है, दौड़ रही है और बैठे हैं, ये हमारे तीनों शब्द क्या है, क्रियाएं। ये तीनों शब्द हमारी क्रियाएं हैं, पर क्रियाओं का कोई भी कर्म नहीं है। ये क्रिया तो है पर क्रिया के साथ कोई भी कर्म हमें नहीं नजर आ रहा, अर्थात अकर्मक अ यानी क्रिया के बिना, कर्म के बिना। कर्म के बिना जब हमारे पास होता है वाक्य तो हम उसको कहते हैं अकर्मक क्रिया, अर्थात वाक्य में जिस क्रिया के साथ कोई भी कर्म ना हो उसे हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। अब फिर वही बात आ जाती है कि अब हम अकर्मक क्रिया को पहचाने कैसे। अकर्मक क्रिया को पहचानने का भी बिल्कुल वही तरीका है जैसे हमने सकर्मक में किया। सकर्मक क्रियाओं में, वाक्यों में, क्रिया से पहले हमने क्या और किसे लगाकर कर्म का पता लगाया, उत्तर जो हमें मिला वो हमें मिला कर्म में। तो ये उसी तरीके से हमें इन वाक्यों में भी क्या और क्या करना है, क्या और किसे शब्द को लगाकर वाक्यों को प्रश्न में परिवर्तन करना है। परिवर्तन करने के बाद अगर हमें क्या और किसे का उत्तर मिला, यानी हमारा वो अकर्मक क्रिया ना होकर सकर्मक क्रिया है, क्योंकि उत्तर मिलने पर हमारे क्या मिलेगा उत्तर में, कर्म। और हमें अकर्मक क्रिया में कोई भी कर्म नहीं पता चलता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मोर क्या नाच रहा है, मोर किसे नाच रहा है, कोई उत्तर मिला क्या या किसे का, नहीं। तो ये वाक्य हमारा अकर्मक क्रिया। उसी तरीके से कपिला क्या दौड़ रही है, या कपिला किसे दौड़ रही है, किसे का तो हमारा वाक्य ही नहीं बना। तो कपिला क्या दौड़ रही है, उत्तर नहीं मिला हमें, तो ये भी हमारी अकर्मक क्रिया। दादाजी चटाई पर बैठे हैं, दादाजी चटाई पर बैठे हैं, तो यहाँ पर भी हमें कोई भी कर्म नहीं मिल रहा है। तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता हमें यहाँ पर कर्म में, किसी भी हमें यहाँ पर कर्म का कोई भी उत्तर नहीं मिला। तो अर्थात इन सभी वाक्यों में कोई भी कर्म नहीं है, इसलिए ये तीनों वाक्य हमारे सकर्मक क्रिया ना होकर अकर्मक क्रिया हो। सकर्मक क्रिया में कर्म का बोध होता है, अकर्मक क्रिया में कर्म का बोध नहीं होता, तभी वो अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। साधारण सा रूप है इसका, साधारण सी बात है, अगर आप ध्यान देंगे, सकर्मक जैसे हमने आपको बताया पहले, सकर्मक स यानी साथ, किसका साथ, कर्म का साथ। अकर्मक अ यानी बिना, किसके बिना, कर्म के बिना। तो आशा करते हैं आपको ये क्रिया के दोनों भेद अच्छे से समझ में आए होंगे। क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया कर्म के साथ, अकर्मक क्रिया कर्म के बिना। अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चों, कि अकर्मक क्रिया हमारी कौन सी क्रिया होती है, जिसमें कर्म नहीं होता। सकर्मक क्रिया कौन सी क्रिया होती है, जो कर्म के साथ होता है। तो हमने आज के वीडियो में क्या जाना कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया किसी भी काम को करने या होना जब पाया जाता है उसे हम कहते हैं क्रिया। धातु और क्रिया के बीच का संबंध क्या होता है, और क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसका अभ्यास जरूर करिएगा। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।